हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच। तो आज की जो वीडियो है वो पैसिव मूवमेंट के ऊपर होने वाली है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर मेरी कोई भी वीडियो न्यू अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। और आप जब कभी भी मेरी कोई भी वीडियो सर्च करते हो और अगर आपको वो वीडियो मेरी वहाँ पे सर्च लिस्ट में ना मिले तो आप उस टॉपिक के बाद में बाय फिजियोस हीलिंग टच लिख दिया करो, और उससे अगर आप सर्च करोगे तो मेरी जो वीडियो है वो टॉप पर आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली पैसिव मूवमेंट होता क्या है? तो जब भी कोई भी पेशेंट एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाता, एक्टिव मूवमेंट यानी कि अभी मैं जैसे एक्टिव शोल्डर फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो कभी भी कोई भी पेशेंट अगर एक्टिव मूवमेंट नहीं कर पाता है, मे बी वो कोमा के अंदर है या फिर पैरालाइज्ड है या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट के ऊपर है, या फिर उसको एक्टिव मूवमेंट वो कर सकता है बट उसकी कंडीशन ही अभी ऐसे है कि वहाँ पर इंजरी हो रखी है कि जो एक्टिव मूवमेंट है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस टाइम के लिए, तो ऐसे सारी कंडीशंस के अंदर हम पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। और पैसिव मूवमेंट के अंदर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है, जैसे अभी मैं अपने शोल्डर अगर मुझे एल्बो फ्लेक्शन करना है तो मैं अपना इस हैंड का यूज़ मैं ले रही हूँ, मैं एक्टिवली एल्बो फ्लेक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना दूसरे हैंड का यूज़ मैं ले रही हूँ एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए। तो इस पैसिव मूवमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि मूवमेंट करवाता है। अब वो थेरेपिस्ट भी हो सकता है, या फिर कोई मशीन भी हो सकती है, या फिर ग्रेविटी भी हो सकती है, या फिर अपना खुद का ही कोई दूसरा बॉडी पार्ट, जैसे कि मेरा ये वाला जो हैंड है वो एल्बो फ्लेक्शन करवा रहा है, तो कोई हमारा दूसरा बॉडी पार्ट भी हो सकता है जो कि पैसिव मूवमेंट कराने में हेल्प करे। तो पैसिव मूवमेंट का बेसिक मतलब यही है कि एक्टिव मूवमेंट नहीं अगर पेशेंट कर सकता है तो उस टाइम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हम उसका मूवमेंट कराते हैं, क्योंकि मूवमेंट करवाना ज़रूरी है। अगर प्रोलॉन्ग बहुत लंबे टाइम के लिए अगर किसी भी जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे एडिशंस फॉर्मेशन हो जाएंगे, और जहाँ पे भी एडिशन फॉर्मेशन होता है तो जो पेशेंट खुद जब मूवमेंट परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे जो उसकी रेंज होगी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी, और वो चीज़ ना हो उस वजह से हमें पैसिव मूवमेंट करवाना पड़ता है। अगर पेशेंट को बेड रेस्ट भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर हमने प्रिस्क्राइब किया है लेकिन फिर भी हमें पैसिव मूवमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। Now let's talk about the types of passive movement. तो basic जो दो broad category है passive movement की वो है relaxed passive movement and passive manual mobilization techniques. तो relaxed passive movement के अंदर आता है कि जब भी हम एक traction देते हैं और उसके बाद में जो भी हमारी range है उधर तक हम passive movement लेके जाते हैं और फिर वापस से इसको अपनी original position के ऊपर लेके आते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हम करते हैं तो वो सारा relaxed passive movement के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमें जैसे मेरी जो शोल्डर फ्लेक्शन है मैं एक्टिवली ऐसे परफॉर्म करती हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर परफॉर्म करती हूँ, और 180 डिग्री इसका नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है। तो जब हम पैसिव मूवमेंट करेंगे तो भी मुझे इसी डायरेक्शन के अंदर करना है, ऐसा नहीं है कि मैं शोल्डर फ्लेक्शन ऐसे कर रही हूँ या फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर कर रही हूँ। मुझे जो जैसे हम एक्टिव मूवमेंट्स करते हैं तो वैसे कि वैसे हमें रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स भी करने होते हैं उसी डायरेक्शन के अंदर और उतनी ही रेंज के अंदर। लेकिन अगर सपोज करो कि पेशेंट को इस रेंज से ज़्यादा पेन हो रहा है, इस रेंज के बाद में पेन हो रहा है, तो हमें रेंज पेन की रेंज के अंदर नहीं लेके जाना है पैसिव मूवमेंट्स को। जिस भी रेंज के अंदर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है यानी कि जो पेन फ्री रेंज है उसके अंदर हम पैसिव मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। और इसी वजह से जो भी थेरेपिस्ट है या फिर जो भी पैसिव मूवमेंट करवा रहा है उसको एनाटॉमी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं होगा कि जो शोल्डर होता है शोल्डर फ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, उसकी रेंज क्या होती है, तो फिर वो अच्छे से मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा पेशेंट के ऊपर। तो इस वजह से जो भी थेरेपिस्ट है उसको एनाटॉमी की नॉलेज होना ज़रूरी है। इन रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स के अलावा एक और टाइप का मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी मूवमेंट। ये एसेसरी मूवमेंट आपने अपना मोबिलाइजेशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। तो एसेसरी मूवमेंट बेसिकली हमारे जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होती है, जो जॉइंट मिलके जो आर्टिकुलर सर्फेसिस जो होती है जो मिलके जॉइंट बनाती है, तो उनके बीच में जो मूवमेंट होता है उसको हम एसेसरी मूवमेंट्स बोलते हैं। और एसेसरी मूवमेंट्स होते क्या है, जैसे ग्लाइडिंग, स्पिनिंग, रोटेशनल मूवमेंट्स, रोलिंग, तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम एसेसरी मूवमेंट बोलते हैं। और कभी भी हम जब भी फ्लेक्शन करते हैं, कोई भी टाइप का ऑस्टियोकाइनेटिक मूवमेंट करते हैं, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, तो इन सारे मूवमेंट्स के टाइम पे हमेशा एसेसरी मूवमेंट जो जॉइंट के अंदर
ऐसे सारी मूवमेंट्स भी हो रहे होते हैं, तो ऐसे सारी मूवमेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने हमारे ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स होते हैं, तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने हमारे ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट्स होते हैं। तो हमारे एसेसरी मूवमेंट्स के अंदर सारे वो मूवमेंट्स आते हैं जैसे कि ग्लाइडिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, जो भी हमारे आर्टिकुलर सर्फेसिस एक दूसरे के ऊपर करती है। अब जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। तो इसके अंदर बेसिकली आता है मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और पैसिव स्ट्रेचिंग। तो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, बट मैं आप लोगों को वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मोबिलाइजेशन है बेसिकली हम उसके अंदर क्या करते हैं कि हम स्मॉल एम्पलीट्यूड या फिर लार्ज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कोई भी हो सकता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड या फिर लार्ज एम्पलीट्यूड के अंदर जो ग्लाइड्स देते हैं, जो जॉइंट आर्टिकुलर सर्फेसिस होता है उसके ऊपर हम ग्लाइड्स देते हैं। पहले हम डिस्ट्रैक्शन देंगे उस जॉइंट के अंदर और फिर ग्लाइड्स देते हैं, और इससे होता क्या है, जो रेंज ऑफ मोशन होती है उस पर्टिकुलर जॉइंट की वो इंक्रीज़ हो जाती है। और आप मोबिलाइजेशन के अंदर हमेशा याद रखना कि जो मोबिलाइजेशन होता है वो पेशेंट के कंट्रोल में होता है, यानी कि अगर मैं शोल्डर का मोबिलाइजेशन दे रही हूँ तो अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उससे उसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो मुझे कभी भी स्टॉप कर सकता है, उसके कंट्रोल में होता है और वो मुझे कभी भी स्टॉप कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मैन्युपुलेशन होता है, जो मैन्युपुलेशन होता है उसके अंदर हम एक हाई वेलोसिटी के साथ एक थ्रस्ट देते हैं, और वो जो हम थ्रस्ट देते हैं वो बहुत ही स्पीड के साथ होता है। इस वजह से पेशेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि जब तक वो मना करे तब तक तो मैन्युपुलेशन हो जाता है। तो मैन्युपुलेशन के अंदर पेशेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मोबिलाइजेशन के अंदर पेशेंट कभी भी स्टॉप कर सकता है अगर उसको पेन बहुत ज़्यादा लग रहा हो। अब जो मैन्युपुलेशन है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी दे सकता है पेशेंट के ऊपर, और जो सर्जियंस होते हैं वो भी मैन्युपुलेशन देता है पेशेंट के ऊपर। जब फिजियोथेरेपिस्ट देता है तो उसके अंदर हमें एनेस्थीशिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, एक हाई वेलोसिटी के साथ स्मॉल एम्पलीट्यूड के अंदर एक थ्रस्ट देता है और उससे मैन्युपुलेशन हो जाता है। लेकिन जो सर्जियंस जब मैन्युपुलेशन देते हैं तो वो एनेस्थीशिया का यूज़ में लेता है, जैसे कि शोल्डर जैसे सपोज करो कहीं पर डिसलोकेट हो गया, या फिर जो हमारा जॉइंट है वो सबलक्सेट हो गया है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पेशेंट जो है बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रहा पेन, तो उस टाइम पे हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, जो सर्जन्स होते हैं वो एनेस्थीसिया दे देते हैं और फिर मैन्युपुलेशन परफॉर्म करते हैं। मोबिलाइजेशन और मैन्युपुलेशन के बाद में जो थर्ड इसके अंदर जो सब टाइप आता है वो है पैसिव स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग भी दो टाइप की होती है, एक्टिव स्ट्रेचिंग और पैसिव स्ट्रेचिंग, बट इसके अंदर हम पैसिव स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है स्ट्रेचिंग, और वो भी पैसिव, यानी कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमारी बॉडी की, और अगर लेकिन कोई और एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारी स्ट्रेचिंग करवा रही है, यानी कि अभी मैं जैसे एक्टिवली अपना स्ट्रेच कर रही हूँ, लेकिन अगर जो थेरेपिस्ट है वो पकड़ के अगर मेरा हैंड को स्ट्रेच कर रहा है तो वो पैसिव स्ट्रेचिंग के अंदर आता है। और पैसिव स्ट्रेचिंग का बेनिफिट ये होता है कि जैसे सपोज करो कि मेरे एडिशंस फॉर्मेशन हो गए हैं मेरे शोल्डर कैप्सूल के अंदर, और उस वजह से जो मेरी रेंज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है, इससे ज़्यादा मैं अपनी रेंज बढ़ा नहीं पा रही हूँ, तो क्या करेगा थेरेपिस्ट, वो पैसिव स्ट्रेचिंग कराएगा, यानी कि इस रेंज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो पैसिव स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होती है, हमारी जो रेंज होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पैसिव मूवमेंट। तो ये बेसिकली सारे प्रिंसिपल्स है, और जब भी आप पैसिव मूवमेंट पेशेंट के ऊपर देते हो तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स आपको उस टाइम पे अपने दिमाग में रखकर और फिर पैसिव मूवमेंट्स देने हैं। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन जब भी पेशेंट के ऊपर हम पैसिव मूवमेंट्स दे रहे होते हैं तो जो पेशेंट होता है वो हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। और हम रिलैक्स कर कैसे सकते हैं पेशेंट को, हम पहले एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, हम जो भी पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं पेशेंट को तो उसके बारे में थोड़ा पेशेंट को ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपके पास डायरेक्ट कोई भी प्रोसीजर करना चालू कर दे बिना आपको कुछ भी बताए तो आप थोड़े एंशियस होते हो, थोड़े स्ट्रेस में रहते हो कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसको पता चल जाता है ओके ये परफॉर्म होने वाला है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और हम पेशेंट को खुद से बोल भी सकते हैं कि अपनी मसल्स को रिलैक्स कर दो, तो वो भी हेल्प करता है पेशेंट को रिलैक्स करने में, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस है, फ्लैसिड पैरालिसिस यानी कि उसकी जो टोन है मसल्स की वो ऑलरेडी कम है, तो इस टाइम पे हमें रिलैक्सेशन और ज़्यादा करवाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी मसल्स है वो ऑलरेडी रिलैक्स है, उसकी जो टोन है वो ऑलरेडी कम है। तो ये वाला स्टेप अगर हम स्किप कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उसकी मसल्स ऑलरेडी रिलैक्स है, अब हमें और
ज़्यादा उसको रिलैक्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पेशेंट को दे देते हैं तो उससे क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो और ज़्यादा कॉपरेट करता है आपके पूरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के टाइम, और वो मोटिवेटेड भी रहता है। और अच्छा, हम रिलैक्सेशन कराने के लिए जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, जब भी हम कोई पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए पेशेंट के लिए। अगर जो पोजीशन है वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगी तो अपने आप रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठा है, फिर हम उसको पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वो इतना अच्छे से नहीं होगा। ऊपर से उसकी जो मसल्स है वो भी थोड़ी टेंस रहेगी, वो रिलैक्स नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमेशा ऐसी कोई पोजीशन चूज़ करनी चाहिए जो पेशेंट के लिए रिलैक्स्ड हो। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है फिक्सेशन। फिक्सेशन यानी कि हमें किसी चीज़ को फिक्स करना है। तो फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कि मैं एल्बो का पैसिव मूवमेंट करवा रही हूँ। अब जब मैं एल्बो का पैसिव मूवमेंट करा रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो फिक्स्ड रहे। तो मैं चाहूँगी कि जो मूवमेंट है वो प्योर एल्बो के अंदर हो, उसके अलावा कोई भी एक्सेसरी या कंपनसेटरी मूवमेंट ना हो। तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगी, अच्छे से फिक्स कर दूँगी ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो प्योरली एक ही जॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसी जॉइंट के ऊपर है। अगर मैं शोल्डर के ऊपर मूवमेंट करना चाहती हूँ तो फिर मैं एल्बो को फिक्स कर लूँगी ताकि जो कंपनसेटरी मूवमेंट्स है वो ना हो, और जो भी हमारा जो टारगेट जॉइंट है उसके ऊपर ही मूवमेंट हो सके। तो ये मतलब होता है फिक्सेशन का, यानी कि हमें फिक्स करना है जो भी दूसरे जो जॉइंट्स हैं उनको फिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा टारगेट जॉइंट है सिर्फ उसी के ऊपर मूवमेंट हो सके। अब जो नेक्स्ट है वो है सपोर्ट। अब आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो पैसिव मूवमेंट होता है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स करवाती है, यानी कि अगर थेरेपिस्ट पेशेंट को ग्रैस्प करेगा उसका लिम्ब और फिर कराएगा, यानी कि इसके अंदर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर ये एक्टिव मूवमेंट होता तो वो तो पेशेंट खुद ही करता है, तो इसके अंदर तो कोई सपोर्ट का मीनिंग ही नहीं है। लेकिन जो पैसिव मूवमेंट है उसके अंदर थेरेपिस्ट उसको ग्रैस्प करेगा उसके लिम्ब को और फिर मूवमेंट कराएगा, तो यानी कि इसके अंदर सपोर्ट जो होता है वो नेसेसरी होता है। तो इस वजह से जब भी हम पैसिव मूवमेंट पेशेंट के ऊपर करा रहे हैं तो जो हमारा सपोर्ट होता है वो अच्छा खासा पेशेंट को हमें देना है। यानी कि हम जब ग्रैस्प भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे ढीला ढाला हमने ग्रैस्प कर लिया, हमें एकदम अच्छे से फर्म ग्रैस्प करना है, उसको अच्छे से सपोर्ट करना है उस लिम्ब को। क्योंकि अगर हम खुद ढंग से ग्रैस्प नहीं करेंगे और एकदम ऐसे ढीला ढाला अगर हम उसको ग्रैस्प करेंगे तो पेशेंट को खुद को लगेगा कि कहीं ये मेरा लिम्ब गिरा ना दे, तो इस वजह से वो खुद रिलैक्स अच्छे से नहीं रह पाएगा पेशेंट। तो इस वजह से पेशेंट को भी अच्छे से रिलैक्स रखने के लिए और उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखने के लिए कि हम उसका लिम्ब गिराएंगे नहीं, तो इस वजह से सपोर्ट अच्छा होना ज़रूरी है उस लिम्ब का, और जो ग्रैस्प है हमारा वो भी फर्म होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो उनका लिम्ब होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो इस टाइम पर जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अच्छे से उनको ग्रैस्प नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से उस टाइम पे हम सस्पेंशन स्लिंग्स का यूज़ में ले सकते हैं। जो सस्पेंशन थेरेपी है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पेशली बनी है जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उसके अंदर हम इजीली उनको पैसिव मूवमेंट्स करवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है ट्रैक्शन। तो जब भी हम पैसिव मूवमेंट पेशेंट को देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम सबसे पहले एक ट्रैक्शन देते हैं, फिर वो मूवमेंट पैसिव पूरा मूवमेंट कराते हैं, फिर वापस से ट्रैक्शन देते हैं और फिर से वापस से उसकी जो इनिशियल पोजीशन है उसके ऊपर लेके आते हैं। तो इस ट्रैक्शन का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, तो जब भी हम ट्रैक्शन देते हैं पेशेंट को तो हमारी जो आर्टिकुलर सर्फिसेज है, जो दो आर्टिकुलर सर्फिस बन के फिर एक जॉइंट बनाती है, तो जब भी हम ट्रैक्शन देते हैं तो ये जो आर्टिकुलर सर्फिसेज है वो थोड़ी सी अपार्ट होती है एक दूसरे से, और इस वजह से जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में वो थोड़ा रिड्यूस होता है, और इस वजह से जो मूवमेंट है वो इजीली परफॉर्म हो पाता है। तो जैसे ही हम ट्रैक्शन देंगे तो वो जो जॉइंट है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा और वो इजीली मूवमेंट हो पाएगा। तो इस वजह से जब भी हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं पेशेंट को तो सबसे पहले हम ट्रैक्शन देते हैं, फिर पूरा मूवमेंट करवाएंगे और फिर ये इजीली होने में मदद करेगा। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है रेंज। रेंज यानी कि हमारी जो भी फुल रेंज ऑफ मोशन होती है वो। तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं तो हमें नॉर्मली तो हम फुल रेंज ऑफ मोशन का ही हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं, लेकिन जैसे सपोज करो इस रेंज के बाद में पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमें सिर्फ पैसिव मूवमेंट यहाँ तक ही करना है,
हमें पैसिव मूवमेंट कभी भी पेन के रेंज के अंदर नहीं लेके जाना है। जो पेन फ्री रेंज होती है वहाँ पे ही हमें पैसिव मूवमेंट करवाना है। तो जहाँ पे भी पेन नहीं हो रहा उस रेंज तक हमें पैसिव मूवमेंट कराना होता है। लेकिन अगर जैसे सपोज करो कोई जॉइंट है वहाँ पे कोई पेन नहीं है, यानी कि हम इजीली उस जॉइंट को पैसिव मूवमेंट दे सकते हैं, तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए। जैसे ये मेरी 180 रेंज है पूरी, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाऊँ उसको, ताकि जो भी अगर एडिशन फॉर्मेशन हो रहे हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड रेंज धीरे धीरे हो रही है तो वो भी ना हो पाए, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर जॉइंट की वो भी मेंटेन रहे। कभी भी कोई भी जॉइंट अगर नॉर्मल है, उसके अंदर कोई पेन नहीं है, तो हमेशा ट्राई करना कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उससे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके जाओ, ताकि उससे क्या होगा कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उस जॉइंट की। तो इस वजह से हमेशा जो पैसिव मूवमेंट्स होते हैं वो एक्सटेंसिबिलिटी, जो हमारी जो मसल्स है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि अगर हमारा कोई भी लिम्ब बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज रहता है तो वहाँ पे एडिशन फॉर्मेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन एडिशंस को ब्रेक करने के लिए या फिर इनको फॉर्म नहीं होने के लिए हमें पैसिव मूवमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर ये एडिशंस एक बार बन जाते हैं तो उसकी वजह से जो रेंज होती है वो लिमिट हो जाती है। तो इस वजह से पैसिव मूवमेंट्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी मसल की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करनी है जो कि 2 जॉइंट मसल है या फिर 3 जॉइंट मसल है, यानी कि ऐसी मसल जो एक जॉइंट के अलावा दूसरे जॉइंट को भी पास कर रही है, 2 जॉइंट मसल या फिर 3 जॉइंट मसल, उनकी अगर आपको एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको सारे जितने भी जॉइंट्स को वो पास कर रही है तो उन सब की पैसिव मूवमेंट करवाने होंगे। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उसके अंदर जो रेक्टस फेमोरिस होती है वो 2 हेड मसल होती है, और जो वेस्टस मीडियलिस लेटरलिस इंटरमीडियस होती है वो सिर्फ सिंगल हेड मसल होती है। जो रेक्टस फीमर, इसलिए रेक्टस फीमोरिस की अगर आपको एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको एक तो नी फ्लेक्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्वाड्रिसेप्स होती है वो नी एक्सटेंशन करती है, तो आपको नी फ्लेक्शन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ में आपको हिप को एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेक्टस फीमोरिस होती है वो हिप के ऊपर भी एक्ट करती है। और इस वजह से अगर आपको रेक्टस फीमोरिस की एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको नी के साथ साथ में हिप के मूवमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तब आप कहीं जाके 2 जॉइंट या फिर 3 जॉइंट मसल्स की भी एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। अब जो लास्ट है वो है स्पीड एंड ड्यूरेशन। अब जो स्पीड होगी, जब भी हम पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं पेशेंट को, तो हमेशा जो आप एक स्पीड लेके चल रहे हो तो हमेशा वो यूनिफॉर्म रखना। पूरे जो भी आप ट्रीटमेंट जो पीरियड होता है तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है हमारी पूरी यूनिफॉर्म रहती है, और आपको एक कांस्टेंट पेस के ऊपर, हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर आपको जो पैसिव मूवमेंट है वो पेशेंट के ऊपर कराना है। और ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आपका जो भी पर्पस है पैसिव मूवमेंट देने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पर्पस है कि वीनस रिटर्न जो है उस पर्टिकुलर लिम्ब का वो इंक्रीज करना है, तो आपको बेसिकली 30 रेपिटेशंस उस मूवमेंट के पैसिव मूवमेंट की कराना है। तो जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है पैसिव मूवमेंट देने का, तो ड्यूरेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो स्पीड रहेगी वो आपकी स्मूथ और यूनिफॉर्म रहेगी। आप लोगों को बताऊंगी इंडिकेशंस ऑफ पैसिव मूवमेंट, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हम पैसिव मूवमेंट दे सकते हैं। अब एज सच पैसिव मूवमेंट के लिए बहुत सारे इंडिकेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि पैसिव मूवमेंट हम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस के अंदर देते हैं जहाँ पे एक्टिव मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाता, क्योंकि नॉर्मली हम पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट्स या फिर रेजिस्टेड मूवमेंट्स जो होते हैं वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं। पैसिव मूवमेंट्स तो सिर्फ उन्हीं कंडीशंस के लिए होता है अगर पेशेंट खुद एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाता, जैसे कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमने पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, प्रिस्क्राइब कर रखा है। जैसे जो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं, जो अक्यूट स्टेज होती है पोलियो के अंदर, उसके अंदर हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर कोई भी टाइप का एक्टिव मूवमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम उनको पैसिव मूवमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो कंप्लीटली इमोबिलाइज रहेगा तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे कि जो रेंज है उसकी वो लिमिट हो सकती है, जो सर्कुलेशन है उसकी बॉडी का वो स्लगिश हो सकता है, यानी कि वो कम हो सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं उनकी वजह से, इमोबिलाइजेशन की वजह से, तो वो ना आए तो उसकी वजह से हम पैसिव मूवमेंट जो होता है वो पेशेंट को देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे पेशेंट खुद एक्टिव मूवमेंट्स नहीं कर सकता तो वहाँ पे हम पैसिव मूवमेंट्स कर दे सकते हैं, जैसे कि बेड रेस्ट हो गया, जो पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो भी खुद एक्टिव मूवमेंट्स नहीं कर पाते, या फिर जो कोमा के अंदर होते हैं उनको भी हम पैसिव मूवमेंट्स दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्यूट ट्रॉमा, यानी कि अगर जैसे सपोज करो किसी को फ्रैक्चर हो गया
या फिर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, किसी को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हो गई, तो ऐसे जो एक्यूट टीयर्स होते हैं यानी कि जो एक्यूट इंजरीज होती है उसके अंदर हम एक्टिव मूवमेंट जो होता है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव मूवमेंट करेंगे और वहाँ पे सपोज करो हीलिंग हो रही है और हम उसके ऊपर एक्टिव मूवमेंट और कर रहे हैं, वैसे तो वो ऑलरेडी इंजर्ड है, ऑलरेडी वहाँ पे इंजरी हो रखी है, और उसके अंदर हम अगर एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब हम उस इंजरी को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं उस एक्टिव मूवमेंट करने की वजह से। तो इस वजह से हम वहाँ पे एक्टिव मूवमेंट नहीं कर सकते, तो हमें पैसिव मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो तो मेंटेन करके रखना है, तो इस वजह से वहाँ पे हम पैसिव मूवमेंट, जो भी जेंटल पैसिव मूवमेंट्स होता है वो हम वहाँ पे देते हैं, लेकिन जो एक्टिव मूवमेंट होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो जब भी हमें इंजरी हो जाती है तो उसके इनिशियल टाइम पीरियड में अक्यूट फेज के अंदर हमें एक्टिव मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ पैसिव मूवमेंट, यानी कि जो पैसिव मूवमेंट होता है उसका मकसद क्या होता है कराने का। मैंने आपको अभी इससे पहले इंडिकेशंस बताए थे कि कौन सी जगहों पे हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं, बट उसको कराने का मकसद क्या होता है, उसकी वजह से होगा क्या पैसिव मूवमेंट कराने की वजह से। तो फर्स्ट है, इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग टिश्यू मोबिलिटी। अब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी भी जॉइंट का पैसिव मूवमेंट कराएंगे तो उस एरिया की जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, तो पैसिव मूवमेंट की वजह से उस टिश्यू की जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्चर और एडिशन के जो फॉर्मेशन को वो डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है। अब कॉन्ट्रैक्चर और एडिशन एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एडिशन का मतलब बताती हूँ। अब जैसे सपोज करो कि कोई पेशेंट जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज्ड है, यानी कि उसके मूवमेंट्स हम नहीं करा रहे, तो उसकी वजह से होगा क्या। जैसे सपोज करो ये उसके फाइबर्स हैं, तो नॉर्मली हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं और उसके अंदर अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है और एक दूसरे से सेपरेटेड होता है और उनके बीच में अच्छी खासी मोबिलिटी होती है। लेकिन जैसे सपोज करो अगर वो पार्ट बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज्ड रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच का जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। अब जो फाइबर्स है उनका जो वाटर कंटेंट है वो डिक्रीज होने लगेगा, तो एक दूसरे के पास आएंगे, और अब जैसे जैसे वो पास आएंगे एक दूसरे के, तो उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग जो है वो डेवलप होने लगेगी, उन फाइबर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग होने लगेगी। तो अब जैसे इन फाइबर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग होने लग जाएगी, और इन क्रॉस लिंकिंग को हम एडिशन फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि जो लेयर्स पहले सेपरेटेड थी जिनके बीच में मोबिलिटी होती थी, अब उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई और इस वजह से अब वो जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, तो इनको हम बोलते हैं एडिशन फॉर्मेशन हो जाना इन मोबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर हम पैसिव मूवमेंट स्टार्टिंग से ही करा रहे हैं, जैसे इस जॉइंट का मैं पैसिव मूवमेंट स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ, उसको इमोबिलाइज रहने ही नहीं दे रही हूँ, तो उसकी वजह से जो एडिशन फॉर्मेशन हो जाता है जिनकी वजह से आगे जाके जो डिक्रीज हो जाती है रेंज ऑफ मोशन, तो वो होगी ही नहीं, एडिशन फॉर्मेशन जो होगा उसका मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चर का मतलब बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज है, अपनी रिस्ट जो है उसकी वो फ्लेक्स्ड पोजिशन के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए इमोबिलाइज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी उसके फ्लेक्सर मसल्स है या फिर जो फ्लेक्सर टेंडन्स है वो धीरे धीरे टाइट होने लगेंगे, वो कॉन्ट्रैक्चर के अंदर चले जाएंगे, वो टाइटनेस उनके अंदर डेवलप हो जाएगी मसल्स और टेंडन्स के बीच में, जो भी फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इनके अंदर टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा तो रिस्ट एक्सटेंशन होने में बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी होगी उसकी, और कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से डिफॉर्मिटीज़ भी डेवलप हो जाती है। तो अब मुझे इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से रिस्ट एक्सटेंशन करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, तो इसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होना। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से उसको पैसिव मूवमेंट्स दे रही हूँ, मैं रिस्ट फ्लेक्शन भी करा रही हूँ, एक्सटेंशन भी करा रही हूँ, तो कॉन्ट्रैक्चर बिल्डअप होगा ही नहीं, तो इस वजह से इन कंडीशंस के अंदर पैसिव मूवमेंट जो होता है वो हेल्पफुल होता है। अब जो पैसिव मूवमेंट होता है वो वहाँ का उस एरिया का जहाँ पे भी हम पैसिव मूवमेंट दे रहे हैं तो वहाँ का सर्कुलेशन भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अब मैं आप लोगों को इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट पे है, और उस बेड रेस्ट की वजह से क्या होगा, अगर वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं करेगा
कोई भी अपने बॉडी का, तो जो उसका जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा और उसका जो वीनस ब्लड है वो उसके लोअर लिम्फ के अंदर उसकी पूलिंग होगी, यानी कि वो जो वीनस ब्लड है, वीनस सर्कुलेशन वाला जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ नहीं जा पाएगा। इस टाइम के ऊपर जब एक्टिव मूवमेंट्स पेशेंट नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं, उसके एंकल टो मूवमेंट करवाते हैं, बार बार उसका एंकल टो मूवमेंट कराते हैं, पैसिव मूवमेंट कराते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि उसकी जो काफ मसल होगी वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलीज करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलीज करेगी। तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा जो वीनस ब्लड है जो कि पुलिंग हो रही है जिसकी लोअर लिम्ब्स के अंदर, तो वो असिस्ट करेगा उसको हार्ट की तरफ मूव करने के लिए। क्योंकि जब इमोबिलाइज होता है कोई भी पेशेंट तो वो खुद से तो मूवमेंट कर नहीं पाता, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसके लोअर लिम्ब के अंदर वीनस सर्कुलेशन, जो वीनस ब्लड होता है, उसकी पुलिंग होने लग जाती है, वो हार्ट की तरफ मूव नहीं कर पाता, ब्लड स्टेसिस हो जाता है। तो उसको सर्कुलेशन को वापस से हमें असिस्ट करने के लिए, वापस एक बार पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिम्ब का मूवमेंट कराते हैं, या फिर जो एंकल टो मूवमेंट होते हैं वो बार बार पैसिव मूवमेंट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वीनस ब्लड होता है वो वापस से हार्ट की तरफ मूव करता है। अब नेक्स्ट है साइनोवियल मूवमेंट, जो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका भी मूवमेंट कराने के लिए जो पैसिव मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है। अब वो कैसे, हम पैसिव मूवमेंट देते कैसे, हम पहले ट्रैक्शन देते हैं, फिर मूवमेंट कराते हैं, फिर वापस से कंप्रेशन देते हैं, फिर वापस से ट्रैक्शन देते हैं। तो इसकी वजह से, ट्रैक्शन कंप्रेशन की वजह से होता क्या है कि हमारा जो जॉइंट होता है उसके अंदर वापस से कंप्रेसिव फोर्सेस लगता है, ट्रैक्शन लगता है, तो उसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट होता है। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि जो कार्टिलेज होता है उसकी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, वो डिफ्यूजन की हेल्प से जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो न्यूट्रिशंस होता है तो उसी की मदद से वो सर्वाइव करता है। तो इसकी वजह से जब भी हम जॉइंट के अंदर ट्रैक्शन कंप्रेशन होगा तो उसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डिफ्यूजन की हेल्प से, जो भी न्यूट्रिशन होता है साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, वो डिफ्यूजन की हेल्प से जो कार्टिलेज होता है वो ले लेता है। तो इस वजह से जो साइनोवियल का मूवमेंट भी होता है और कार्टिलेज को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जब भी हम पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। अब नेक्स्ट है पेशेंट्स अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट। अब इस लाइन का ये मतलब है कि जब भी हम पैसिव मूवमेंट करा रहे होते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, यानी कि वो देख पा रहा है कि मेरा क्या मूवमेंट हो रहा है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो वो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं उसको शोल्डर फ्लेक्शन कराती हूँ, तो इस शोल्डर फ्लेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इस वजह से जो पेशेंट्स को है वो अवेयर रहेगा कि मेरा ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, मेरा ये फ्लेक्शन होता है, ये एबडक्शन होता है, मतलब एक तरह से मूवमेंट की अवेयरनेस उसको रहेगी, उस पेशेंट के जो ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी अगर हम पेशेंट के सामने अगर वो पैसिव मूवमेंट्स कराते हैं तो। Now next we will talk about limitations of passive movement. Limitations यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो passive movement नहीं कर सकता। तो first है to prevent muscle atrophy, यानी कि muscle atrophy का basically मतलब है कि जैसे ये मेरे muscle के fibers है, ये normal muscle के fibers है, लेकिन जैसे जैसे उनकी जो size है और नंबर है मसल फाइबर्स का वो जैसे जैसे डिक्रीज होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं मसल एट्रोफी। तो अगर कोई पेशेंट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए बेड रेस्ट पे है, यानी कि वो कोई अपना खुद का मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है, मसल की जो साइज़ है, वो डिक्रीज होने लगेगी। लेकिन अगर हम उसको फिर भी पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी वापस से जो मसल की साइज़ है वो इंक्रीज नहीं होगी। यानी कि पैसिव मूवमेंट से कभी भी मसल की स्ट्रेंथ हो गई या फिर मसल की जो साइज़ होती है, हाइपरट्रॉफी भी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो हम कभी भी मसल को एट्रॉफी से बचा नहीं सकते, यानी कि मसल की जो साइज़ डिक्रीज हो रही है तो उसको वापस से इंक्रीज नहीं कर सकते। तो पैसिव मूवमेंट इसके अंदर बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। यहाँ पर हम एक बिग क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जो मसल्स की एट्रोफी अगर हो रही है पेशेंट के अंदर तो उसको वापस से उसके अंदर कोई रोल नहीं है पैसिव मूवमेंट का, वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब स्ट्रेंथ इंक्रीज होती कैसे है किसी पेशेंट की, जब वो खुद डंबल्स वगैरह उचाता है या फिर एक्टिव मूवमेंट्स करता है तब कहीं जाके उसकी स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज होती है, लेकिन इसके अंदर तो पेशेंट का खुद की अपना खुद का कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, वो खुद से तो कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, वो सारा के सारा जो थेरेपिस्ट है वो उसका कर रहा है या फिर कोई मशीन है वो कर रही है। तो इस वजह से मसल की स्ट्रेंथ या फिर एंड्योरेंस इंक्रीज पैसिव मूवमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम एक बिग क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट है असिस्ट सर्कुलेशन लाइक
एक्टिव मूवमेंट्स, यानी कि अगर आप खुद एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक आप यहाँ इस एरिया से लेके यहाँ तक आप एक बार भागना, वॉकिंग करना या फिर रनिंग करना, और एक किसी के आप पैसिव मूवमेंट कराना, और फिर देखना किसके अंदर ज़्यादा रेडनेस आ रही है, किसके अंदर ज़्यादा सर्कुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम एक्टिव मूवमेंट करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं या फिर कोई भी एक्टिव मूवमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर एक रेडनेस आ जाती है, हमें एक रेडनेस दिखती है। वो होती क्यों है? क्योंकि हमारा जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो जब भी हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं तो उसके अंदर भी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, लेकिन उस एक्टिव मूवमेंट्स के लेवल जितना नहीं होता। यानी कि जब हम एक्टिव मूवमेंट करते हैं तो उस लेवल का जब सर्कुलेशन जो इंक्रीज़ होता है, तो उस लेवल का सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तो जब हम पैसिव मूवमेंट कराते हैं तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं होता। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है वो तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता। तो इसके लिए भी जो पैसिव मूवमेंट है वो लिमिटेड है, उसके लिए भी वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। सो या दैट्स इट अबाउट पैसिव मूवमेंट। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर अपना जो व्यू है वो शेयर करना, एंड प्लीज़ लाइक करते रहा करो मेरी वीडियोज़ को, और सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।